हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं लगवाने जा रही हूँ वैक्सीन, और अभी मुझे फर्स्ट डोज नहीं लगा है। किन्हीं कारणों से मैं नहीं लगवा पाई थी, तो मुझे लगा कि मुझे लगवाना चाहिए और ये ज़्यादा ज़रूरी काम है। तो बस मैं अभी नहा के रेडी हो गई हूँ, और उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी और फिर निकलूँगी, क्योंकि मतलब ऐसा बोलते हैं कि खा के ही जाना चाहिए वैक्सीन लगवाने। और चलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि वैक्सीन कैसे लगी और लगने के बाद क्या सिम्टम्स होते हैं। और ये हैं हमारे विदुर, और ये भी नहा चुके हैं। हेलो बोलिए। हेलो। आपको किसने नहलाया विदुर? किसने नहलाया विदुर को? मम्मा। मम्मा ने? मम्मा को प्यार कर दो, मम्मा को जल्दी से प्यार कर दो। आई लव यू। तो चलो मैं जल्दी से रेडी होती हूँ और उसके बाद मैं निकलूँगी। सो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इस टाइम पे कितनी गर्मी है और बाहर कितनी धूप है। तो मैं सबसे पहले ये सनस्क्रीन लगा रही हूँ, और ये वाव की है, और ये बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। तो मैं बिल्कुल जरा सा ले के, और ये जो सनस्क्रीन है इस पर मतलब सेंसर ऑयल भी होता है, तो आपके फेस पे एक ग्लो इफेक्ट भी आता है। पहले मैं नाश्ता कर रही हूँ, और नाश्ते में आज बना है ढोकला, और ये बनाया है मेरी सिस्टर ने, और वो भी बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। तो मैंने उससे बोला कि तुम नाश्ता बना दो, मैं जल्दी से नहा के रेडी हो जाती हूँ और फिर मैं निकलने वाली हूँ वैक्सीनेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैं वैक्सीनेशन सेंटर में पहुँच गई थी, और सच में वहाँ बहुत ही भीड़ थी। पहले तो मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ऐसा बोला गया कि पहले हमने इतने लोगों को लग जाएगा, उसके बाद ही लगेगा। फिर मैं किसी भी तरह करके गई और लाइन में लगी रही, तो बहुत ही लंबी लाइन थी वहाँ पे। और मतलब क्या बताओ, इतनी गर्मी और धूप में मैं लाइन पे लगी थी। करीब मुझे कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगे मेरा नंबर आने पे, और जब मेरा फाइनल आया कि मुझे लगना है, तो उस टाइम पे मैं शूट ही नहीं कर पाई, क्योंकि मैं अकेले गई थी वैक्सीनेशन कराने। तो फिर भी जितना भी शूट हो पाया वहाँ पे मैंने किया, और फाइनली मेरे को वैक्सीन लग गया। तो फ्रेंड्स, वैक्सीन लगवाने के बाद मैं डायरेक्ट घर आ गई थी। तो जब मुझे वैक्सीन लग रही थी उस टाइम पे वीडियो बना नहीं पाई मैं, क्योंकि मैं अकेले ही गई थी वैक्सीन लगवाने, और मेरे साथ कोई गया नहीं था। और इसको देखिए आप, ये कितना रो रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही रो रहा था। इसको मैं घर पे छोड़ के गई थी, मेरी सिस्टर थी घर पे,
और मैं उसको वहाँ ले के नहीं गई क्योंकि अभी भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो वैक्सीन मुझे लगी है लेफ्ट हैंड पे, उनने बोला आप किसी भी हैंड पे लगवा सकते हो। तो उसके बाद मुझे जो भी सिम्टम्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मैं ये भी बताऊँगी कि मुझे कौन सी वैक्सीन लगी है, कोवैक्सीन लगी है कि कोविशील्ड लगी है। तो इस ब्लॉग को मैं फिनिश करती हूँ। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे फेस पे ये यहाँ पे चोट लग गई है। और मुझे ऐसा बताना तो नहीं था कि मुझे ऐसा क्यों हुआ, क्यों लगी, बट एक्चुअली में क्या था कि मैं अपना एक ब्लॉग शूट कर रही थी कि मैं वैक्सीन लगवाने जा रही हूँ। तो उसके बाद जो भी मुझे सिम्टम्स होंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने जिस दिन वैक्सीन लगवाई तो मुझे उस दिन कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और रात को मैं नॉर्मली सो भी गई थी। और एक टैबलेट जो वहाँ से मिलती है वैक्सीन लगवाने के बाद वो मैंने खा ली थी टैबलेट, और उसके बाद मैं मतलब कि सो गई नॉर्मली। फिर मेरी मतलब रात में ऐसा लगा कि हल्का सा फीवर लग रहा है, बट इतना नहीं था तो मैं सोती रह गई। बट फिर मुझे 6 बजे समथिंग मॉर्निंग में मेरी नींद खुली और मुझे ऐसा लगा कि मतलब लूज मोशन या पेट में ऐसा गैस टाइप से ऐसा कुछ लग रहा था। तो मैं वॉशरूम गई और वॉशरूम में जैसे ही गई मैं तो वहाँ पे मुझे एकदम से पूरी बॉडी मेरी एग्जॉस्ट हो गई, चक्कर सा आने लगा। हो सकता है कि मतलब रात को मैंने ज़्यादा काम किया हो आने के बाद, या तो मैं रेस्ट नहीं कर पाई हूँ इस वजह से ऐसा हुआ हो। और मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो एकदम से पूरा ब्लैक सा होने लगा। तो मैं इनको बुला रही थी वॉशरूम में कि आ जाइए, एकदम आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। तो इनको सुनाई नहीं दिया होगा क्योंकि मॉर्निंग में आपकी नींद थोड़ा गहरी होती है। तो फिर मैंने ट्राई किया कि मैं खुद से ही जाती हूँ और लेट जाऊँगी बेड पे, पास पे ही तो है। तो मैंने जैसे ही खड़े होके वहाँ से निकली और पहला कदम रखा और मैं गिर गई। मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं कैसे गिरी, क्या हुआ। और मैं गिरी तो मुझे बेड का जो कोना था वो मेरे यहाँ पे लग गया, और उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा लग गया था, थोड़ा मतलब डीप सा गड्ढा सा हो गया था। तो इनने तो पहले मुझे उठाया, फिर इनने बोला कि अरे तुम्हारे यहाँ तो लग भी गई है। फिर ये तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेके गए और दिखाया तो उनने बोला कि स्टिचेस लगेंगे क्योंकि मतलब जो क्या बोलूँ जो लगी बहुत अंदर तक कट गया था, तो कट अंदर तक है तो इसलिए आपको स्टिचेस लगेंगे। तो फिर वहाँ पे मैं गई और नहीं बेटा आप देखिए ना, मम्मा आप क्या बता रही डोर नहीं बेटा हाँ। तो फिर मैं वहाँ पे गई तो मेरा बेटा कोई भी वीडियो बनाने नहीं देता है। तो फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको स्टिचेस लगेंगे और 2-3 लगेंगे। तो ये जो आईब्रो है, सॉरी जो ये वाले आईब्रो है, तो यहाँ पे मुझे कट हुआ है तो यहीं पे उन्होंने स्टिचेस लगाए हैं। तो पहले तो मैं उनसे बहुत देर तक यही पूछ रही थी कि आप ये कट है स्टिच लगा देंगे तो यहाँ पे मुझे हेयर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं वीडियो बनाती हूँ तो फिर कैसे होगा, मेकअप वीडियो बनाती हूँ। तो उन्होंने बोला आप टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, अभी आप अपने आप को देखिए, आपके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैंने स्टिचेस लगवाए और वहाँ पे थोड़ा आधा एक घंटा रेस्ट किया, थोड़ा सा वीकनेस लग रही थी। तो ये मेरा पूरा ओवरऑल सिम्टम्स था। फिर घर आने के बाद मतलब कोविड बार बार बोल रही हूँ मैं, वैक्सीन लगवाने से कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं था, बट हाँ मुझे चक्कर सा ऐसा वीकनेस ज़रूर लग रही थी। तो मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अगर वैक्सीन लगवा रहे हैं तो आप अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दीजिए, और मतलब 1-2 दिन तक आप अपना बहुत केयर करिए, अच्छा खाइए, तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी जो मेरे साथ हुई हैं। और ये मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था। तो अभी ये जो मेरे स्टिचेस लगे हैं इनको ठीक होने में मैक्सिमम 1 वीक समथिंग लगेंगे,
तो हो सकता है मैं कोई वीडियो बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ, बट मुझे लगा कि ये जो मेरा पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है हमें कि हम एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और मैंने भी इसी कारण, मतलब मेरा तो एक छोटा सा बच्चा है, फिर भी मैंने वैक्सीन लगवाई। और बस अब क्या बोलूँ, अब जो होना था वो तो हो ही गया, वो उसका वैक्सीन से ऐसा कुछ वो नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा लापरवाही की इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो आपसे बोलूँगी कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, और वैक्सीन लगवाने के बाद अपनी बॉडी को पूरा रेस्ट दीजिए और बहुत सारा पानी पीजिए, हेल्दी खाना खाइए। और हाँ, मैंने कोविड शील्ड लगवाई थी उस टाइम पे, वही अवेलेबल थी, तो मेरा फर्स्ट डोज लग गया है और सेकेंड डोज समथिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर के बीच में लगेगा। तो हाँ, मैंने वैक्सीन लगवा ली है, और आप भी जाके जल्दी से लगवाइए, अभी हर जगह लग रही हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये मेरा पूरा ओवरऑल वैक्सीन का जो एक्सपीरियंस है आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हो सकता है कि मेरे आगे की वीडियोस थोड़ा मतलब लेट आएँ, बट मैं ट्राई करूँगी कि बनाऊँ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये मतलब ना तो उसके बाद मुझे कोई फीवर आया ना कुछ, बस ये जो चोट लगी है तो ये थोड़ा सा दिक्कत है।